दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे बुखार चेक करना और ये भी बताएंगे कि कब बुखार होता है और कब नहीं होता है, इस मरकरी वाला थर्मामीटर से कैसे बुखार चेक किया जाता है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्केट में तीन तरह के थर्मामीटर मिलता है। एक ये मरकरी वाला होता है, एक और मरकरी वाला ही होता है, थोड़ा अलग टाइप का होता है, और एक होता है एलईडी वाला। तो एलईडी वाला आसान होता है लेकिन वो महंगा भी होता है, लेकिन सबसे सस्ता ये होता है। तो इसमें आप बुखार चेक एकदम आसानी से बुखार चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें पड़ा होता है जो टेम्परेचर को नापता है, और यह आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। इसको पहले आप झाड़ के, पहले इसमें आपको दिख रहा होगा बीच में एक लकीर, इस लकीर को झाड़ के एकदम नीचा करना है। नीचा करने के बाद इसको लगाना है। बड़े आदमी है तो जीभ के अंदर लगा सकते हैं, साफ करके जीभ के अंदर लगाने से थोड़ा अच्छा से बुखार इसमें आ जाता है, ओरिजिनल टेम्परेचर आ जाता है। वैसे आप इसका छोटे बच्चे हो या बड़े आदमी हो जो जीभ के अंदर नहीं लगाना चाहते हैं, उसको कांख में भी लगा सकते हैं। कांख में लगाने से थोड़ा एक मिनट डेढ़ मिनट, यानी एक मिनट से लेकर डेढ़ मिनट तक रहने दें, या जीभ के अंदर लगाते हैं तो एक मिनट तक रहने दें, जिससे अच्छा तरह से बुखार इसमें आ जाए, टेम्परेचर सही है या गलत है। दोस्तों, बुखार कब होता है? 98.5 के ऊपर जब होता है इसमें पारा, तो समझ जाइए कि बुखार है, यानी 98.6 हो गया तो बुखार आना शुरू हो गया। अगर 98.5 तक है तो बुखार नहीं है, नीचे 96, 97, 98 तक रह सकता है, लेकिन अगर 98.67 होने लगता है तो बुखार होने लगता है शरीर में। दोस्तों, बुखार इसमें किस तरह से चेक किया जाता है, किस तरह से पता चलेगा कि बुखार है, और पता कैसे चलेगा कि इसमें पारा ऊपर गया है? तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें ऐसे देखने के बाद इसमें आपको पारा दिखता होगा, बीच में चमकता होगा, जो वही है पारा। जब आप इसको झाड़ देते हैं तो ये नीचे चला जाता है, फिर आप इसको देखते हैं आगे तो ये 97, 98 या भी 97 पे देख सकते हैं, 97 पे है, और ये बढ़ के 100 तक जा सकता है, 104 तक जा सकता है, और हाई बुखार है तो 104.5 जा सकता है, लेकिन 4-5 जाने तक जिसको बुखार होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं इस तरह से कि अभी पारा कहाँ पे है, और उससे ही पता चलता है कि बुखार कितना है। दोस्तों, जब भी आप देखते होंगे डॉक्टर बुखार चेक करते हैं तो थर्मामीटर को बहुत ज़्यादा झाड़ता है। अगर मरकरी वाला थर्मामीटर से चेक करता है तो वो क्या करता है, पारा लेवल को नीचे कर देता है। पारा लेवल नीचे हो जाने के बाद फिर उसको लगाता है तो सही सही बुखार पता चल पाता है कि कितना बुखार है। इसलिए जब भी आप चेक करते हैं तो इसको पूरा झाड़ ले, पारा लेवल को नीचे कर ले, उसके बाद लगाए, और सही सही देखने का कोशिश करें कि पारा कहां तक पहुंचा है, इसमें जो बीच में चमक रहा है वो कहां तक आया है, इससे ही पता चलता है कि बुखार कितना है। दोस्तों, इसमें आपको दिख रहा है यहां पे 94 फर्स्ट है, उसके बाद 95 है, 95 के जगह पे बड़ा लकीर है, फिर 96 है, यानी सिर्फ 6 है, उसके बाद 7 नहीं है, 8 है, फिर 100 है, इससे पता चलता है कि कितना बुखार है। 96 पे है तो 96 है, उसके बाद बड़ा वाला लकीर जो है 96 के बाद उस पर है तो 97 है, उसके बाद पॉइंट दिया हुआ है कितना पॉइंट है, 8 है तो 98 है, 99 पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तीर लगा हुआ है ये है, और 100 है, इससे ही पता चलता है कि कितना बुखार है। उससे आप 102 है, 104 है, ऊपर यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, और किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।